हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस मैंने डाल दिया है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में दो पार्ट है, दोनों को भी देख लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट यहाँ पे। तो फर्स्ट LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले LHS लिख लेंगे। LHS जो दिया गया उसको उतार लेंगे, 1 - tan² θ डिवाइड बाई 1 + tan²θ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप क्या कि डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे tan²θ है, तो tan²θ का एक जो फॉर्मूला आता है उसको हमेशा आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो वो क्या होता है, 1 + tan²θ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, sec²θ होता है, ठीक है। मतलब क्या, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बैठ जा रहा है, मतलब इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं और ये नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, मतलब इस पे नहीं बैठेगा। तो बस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। चलिए तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 - tan²θ डिवाइडेड बाई, इसके बदले क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, sec²θ। जब भी आप फॉर्मूला लगाइएगा उसको बगल में ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगा चुके हैं, इसको फिर से लगाना चाहे तो यही चीज आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला नहीं लग रहा उसके बाद क्या करेंगे, जो जो टर्म साइन और कॉस में नहीं है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो जल्दी से कर लीजिए, हम लोग को पता है tan θ इक्वल टू क्या होता है, tan θ इक्वल टू होता है sin θ बाई cos θ, ठीक है। और यहाँ पे sec θ है, तो sec θ इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos θ, ठीक है। तो tan²θ का क्या हो जाएगा, sin²θ बाई cos²θ, और यहाँ पे sec²θ, तो 1 - cos²θ हो जाएगा। बस इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 है, 1 लिख दीजिए, माइनस tan²θ के बदले sin²θ डिवाइडेड बाई cos²θ, ठीक है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड दे दीजिए। sec²θ के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, 1 - cos²θ, ठीक है, 1 - cos²θ, ठीक है। यहाँ पे LCM ले लीजिए इसका, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इसका LCM ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये cos²θ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos²θ माइनस sin²θ, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है, 1 - cos²θ, ठीक है। ये इससे कट गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनली कितना बचा, cos²θ माइनस sin²θ, और यही हम लोग को RHS में लाना था, और प्रूफ हो गया। क्या कीजिएगा, इसको लिखकर नीचे बॉक्स से घेर दीजिएगा, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, तो इसमें भी क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि दोनों में से कोई, दोनों मतलब डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ तो हम लोग चेक कर चुके हैं, 1 - tan²θ नहीं बैठ रहा है फॉर्मूले पे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इसके लिए, तो ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, उससे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं जो दिया गया मेरे पास, 1 - tan²θ डिवाइडेड बाई cot²θ माइनस 1, ठीक है। अब चेक करना है कि cot वाला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग को पता है 1 + क्या होता है, cot²θ इक्वल टू क्या होता है, cosec²θ होता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कितना रहा, cot²θ माइनस 1, तो ये पॉसिबल नहीं कि इसको माइनस में कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे बैठ नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा, तो सेकंड स्टेप क्या करना रहता था, जो जो टर्म साइन और कॉस में नहीं उसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो आइए करते हैं, 1 - tan θ का क्या होता है, sin θ बाई cos θ, तो tan²θ का क्या हो जाएगा, sin²θ डिवाइडेड बाई cos²θ, क्लियर, डिवाइड बाई cot का क्या हो जाता है मेरे पास, cot का हो जाता है cos θ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, cot θ इक्वल टू क्या होता है, cos θ डिवाइडेड बाई sin θ। तो बस यहाँ पे cot²θ के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, cos²θ डिवाइडेड बाई sin²θ, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, LCM ले लीजिए ऊपर, तो यहाँ पे LCM लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos²θ आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी cos²θ माइनस साइन है, ये कितना आ जाएगा, sin²θ डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा, LCM ले लीजिए, तो यहाँ पे भी sin²θ आ जाएगा, और ये यहाँ पे cos²θ पहले से है माइनस साइन, और ये कितना आ जाएगा, sin²θ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पलट रहे हम लोग, पलट कैसे रहे, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे माइनस sin²θ तो है ही, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, cos²θ है, इनटू ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो sin²θ डिवाइडेड बाई ये क्या है मेरे पास, cos²θ माइनस sin²θ, ठीक है।
यहां से देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो कट गया। यहाँ पे मेरे पास कितना है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। चलिए हम लोग को पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो इसके बदले हम लोग पुट करना चाहें तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और यही हम लोग को शायद लाना था आरएचएस में आ गया, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा बॉक्स में लिखकर घेर दीजिएगा और लिखिएगा हेंस प्रूफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं तो इसमें इतने के बदले ये प्रूफ करना है, तो हम लोग को रूल पता है क्या क्या करना है। सबसे पहले एलएचएस जो दिया गया उसको लिख लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया गया है टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस वन प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल सबसे पहले चेक करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस वन है, सेक थीटा प्लस है वन है, तो ये डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा है, तो आप करेंगे क्या, क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आप स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। पहचानने का यही रूल है कि स्क्वायर लगा हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगाइए, नहीं लगा हुआ है तो मत लगाइए, ठीक है। अब क्या करेंगे फॉर्मूले पे नहीं लग रहा है तो, उसके बाद हम लोग करते थे क्या कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते, तो आइए करते हैं। हम लोग को पता है टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो बस यहाँ पे टेन थीटा के बदले साइन थीटा बाई कॉस थीटा पुट कर लेंगे। और सेक थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग को पता है साइन और कॉस के टर्म में, तो वन बाई कॉस थीटा होता है, तो बस इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा के बदले क्या पुट करें साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड वाला साइन दीजिए, सेक थीटा के बदले वन बाई कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस साइन है माइनस दे दीजिए वन, ठीक है। प्लस साइन है यहाँ पे प्लस दीजिए, टेन थीटा के बदले फिर से वही साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा के बदले फिर से वही वन बाई कॉस थीटा यहाँ पे प्लस है वन, ठीक है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें ऑपरेशन कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेकर जो करना है कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ करेंगे ऊपर ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा, और वन माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन है प्लस ले लीजिए यहाँ पे ऊपर ऐसे ही छोड़ दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे वन है तो कॉस थीटा, और वन का एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, प्लस साइन है प्लस दीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा कॉस थीटा आएगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं उलट रहे हैं, तो उल्टेंगे तो मतलब अरेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन टू, या डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के बदले हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और पीछे वाले टर्म को क्या करते थे पलट देते थे, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, यहाँ पे क्या है ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है, और ये क्या होगा मल्टीप्लाई साइन होकर ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा ऐसा आ गया, ठीक है। यहाँ से ये कॉस कट गया, ये कॉस कट गया, मेरे पास आया कितना, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों में एलसीएम लेकर ऑपरेशन करेंगे और वो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों अलग अलग टर्म में दोनों सेम नहीं है तो दोनों क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दीजिए, अब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, क्लियर। चलिए अब करेंगे क्या, डायरेक्ट इसको खोलते जाइए, कैसे खोलेंगे देखिए साइन थीटा इंटू वन कितना आ जाएगा साइन थीटा, अब साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस का साइन, अब साइन थीटा को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देखिए अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए माइनस बी और यहाँ पे फिर से ए प्लस बी आ गया, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर कितना, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस साइन बी, बी कितना हम लोग मान चुके हैं कॉस थीटा का, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये प्लस साइन और ये माइनस साइन दोनों कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पे कितना आया टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, हम लोग को कितना लाना है वन माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब इसको उधर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इस टर्म के बदले, इस टर्म के बदले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। जितना फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा उसको ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना आ गया टू बाई साइन थीटा आ गया, और हम लोग को पता है कि वन बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टू कॉसेक थीटा। और यही हम लोग को आर एच एस में प्रूव भी करना था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या, एलएचएस लिख लीजिए यहाँ पे, एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया गया मेरे पास, कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस वन प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाई कॉट थीटा, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है इसलिए नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो जो साइन और कॉस में नहीं है उसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो आइए, हम लोग को पता है कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा को अगर चेंज करना चाहें साइन और कॉस में तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। जैसे यहाँ पे कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक थीटा आ रहा है, तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वन बाई साइन थीटा, ठीक है। तो बस इन सभी टर्म के बदले वो सब में चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो कॉट थीटा के बदले क्या चेंज करना है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और ये बड़ा वाला डिवाइड लाइन कॉसेक थीटा के बदले वन बाई साइन थीटा, तो हम लोग वन बाई साइन थीटा यहाँ पे पुट कर लेते हैं। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, वन ऐसे दे दीजिए, ठीक है। प्लस साइन है, ये प्लस दे दीजिए, कॉसेक थीटा के बदले फिर से वो आपसे वन बाई साइन थीटा यहाँ पुट कर लेंगे, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए वन, ठीक है। और ये कॉट थीटा के बदले कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं, ऊपर ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी कुछ देर के लिए, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और नीचे अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहें इन दोनों का तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस यहाँ पे नीचे वन है, वन को वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा वन आएगा, और प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस साइन है, प्लस यहाँ पे दे दीजिए, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इस वन को नीचे वाले वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा वन आएगा, प्लस साइन है, इस वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड लाइन दीजिए, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग को अरेंज करके लिख लेना है मल्टीप्लाई वाले टर्म के रूप में। चलिए तो यहाँ क्या है मेरे पास, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। चलिए प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, ये क्या है मेरे पास, वन प्लस साइन थीटा है, और डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, साइन थीटा है, ठीक है। ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ से मेरा साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या क्या, तो हम लोग आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा बचा, ठीक है। ब्रैकेट से घेर दीजिए, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, वन प्लस साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर एलसीएम लेना चाहे तो हम लोग ये दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। चलिए, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो वन प्लस साइन थीटा यहाँ भी, वन प्लस साइन थीटा यहाँ भी, तो वन प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह क्या है साइन है, तो बी स्क्वायर प्लस टू ए, ए वन है वन ही हो जाएगा, टू ही हो जाएगा, टू ए बी, बी कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख लीजिए, और नीचे कितना है वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, चलिए अब करेंगे क्या, हम लोग को पता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन होता है, इसको ब्रैकेट में बगल में लिख लीजिएगा। तो वन प्लस, और ये वन बचा हुआ था वन, और ये टू साइन थीटा है, तो यहाँ पे टू साइन थीटा लिख लीजिए। ठीक है, और नीचे क्या है वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा वन प्लस वन कितना होता है टू होता है, टू प्लस ये कितना आ जाएगा टू साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे टू साइन थीटा लिख लिए। और नीचे कितना है वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लिखिए। ऊपर से क्या करेंगे, टू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो टू को कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, वन प्लस साइन थीटा बचेगा, दोनों में से टू कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे बचा हुआ है वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, ये टर्म से कैंसिल हो गया, मेरे पास आया कितना टू बाई कॉस थीटा है। हम लोग को पता है वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा मेरे पास सेक थीटा होता है, तो बस वन बाई कॉस थीटा की जगह हम लोग सेक थीटा पुट कर लेते, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो यही हम लोग को आरएचएफ में प्रूव भी करना, तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 20 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज करना है, प्रूव करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था आप एलएचएस से भी चल सकते हैं, आरएचएस से भी चल सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको सुविधा लगे उससे चल सकते हैं। लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में फंसिएगा तो क्या होगा कि आपको एलएचएस से भी चलना पड़ेगा और आरएचएस से भी चलना पड़ेगा और दोनों को का आंसर मिलाना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या कीजिएगा कि एलएचएस से भी स्टार्ट कीजिएगा, कुछ दूर तक जाइएगा सॉल्व करके, उसके बाद आरएचएस से भी चलना पड़ेगा और देखिएगा कि दोनों का टर्म सेम आ गया है, तो दोनों को इक्वल करके क्या कीजिएगा, आरएचएस और एलएचएस दोनों बराबर करके इसको प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एलएचएस लिख लीजिए, एलएचएस क्या दिया गया मेरे पास क्वेश्चन में, सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि हम लोग को देखना है डायरेक्ट फॉर्मूले पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या करना है कि साइन और कॉस में चेंज करना, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आइए साइन और कॉस में चेंज करते हैं। हम लोग को पता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना चाहे तो वन बाई कॉस थीटा होता है, तो बस सेक थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे, वन बाई कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वन बाई कॉस थीटा पुट कर दीजिए, माइनस साइन है माइनस दे दीजिए, और नीचे क्या है वही चीज वन बाई कॉस थीटा प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और ये वन है और यहाँ पे वन का तो वन इंटू वन माइनस साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइड का लाइन है तो डिवाइड का लाइन दे दीजिए, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एलसीएम दे रहे हैं तो कॉस थीटा इंटू वन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए वन आएगा, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म मेरा इससे कट गया, तो आया कितना मेरे पास, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आके, अब कुछ आगे आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि आगे करना क्या। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं कीजिए, अब हम लोग आर एच एस के साइड से चलेंगे, तो आर एच एस लिखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा वाला का। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, वन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होता है, वन का स्क्वायर वन। ठीक है, यहां से आप देखिए, ये अगर इसको ए मानना चाहे और इसको बी मानना चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए कितना है, वन है, प्लस बी, बी कितना है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा पुट कर लीजिए, इंटू ए माइनस बी, बी कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब टू टाइम्स है, तो यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा लिख लीजिए, ऊपर से ये कट कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। देखिए वन और टू से क्या आ गया, दोनों सेम आ गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू। टू से क्या, एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आ गया है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसके बाद ये टर्म इधर लिख दीजिएगा और ये टर्म इधर लिख के ब्रैकेट में घेर कर लिखिएगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, अब हम लोग 20 के सेकेंड पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, तो इसमें भी पिछले जैसा ही लॉजिक लगेगा, क्या कि इसमें भी दोनों एल एच एस से भी चलना पड़ेगा, आर एच एस से भी चलना पड़ेगा। ऐसा आपको तब डिसाइड करना है जब एल एच एस से तो स्टार्ट किए लेकिन आप आगे जाकर बहुत ज्यादा फंस जा रहे हो। ठीक है, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस समय क्या कुछ लॉजिक लगाया जा सकता है, या फिर आप आर एच एस से स्टार्ट कीजिए तो उसका भी आंसर सेम टाइप का आएगा और फर्स्ट और सेकेंड से इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो आइए इसमें भी वही चीज करना है, पहले एल एच एस से चलना है, उसके बाद आर एच एस से चलना है। चलिए, तो एल एच एस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया मेरे पास, सेक थीटा माइनस माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। चलिए, सेक थीटा का हम लोग को पता है, सेक थीटा को अगर साइन और कॉस में चेंज करना चाहें तो वन बाई कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे टैन थीटा आ रहा है, तो टैन थीटा को चेंज करना चाहे तो क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। बस, तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, सेक थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, वन बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर लीजिए। माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए, टैन थीटा के बदले साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड दे दीजिए, सेक थीटा के बदले फिर से वन बाई कॉस थीटा, तो हम लोग वन बाई कॉस थीटा पुट कर लिए। प्लस साइन है, प्लस फिर से टैन थीटा के बदले हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा पुट कर लेते हैं। आगे चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए ऊपर में, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा का एलसीएम क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वन आ जाएगा, माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अगर हम लोग यहां से जबरदस्ती करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे, यही टर्म को ऊपर नीचे ऐसा मल्टीप्लाई करके और इसी से डिवाइड करके हम लोग डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ जाएगा, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही टर्म फिर से दो पर मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि ये कुछ रूल नहीं है, अगर हम लोग रेशनलाइज भी करते हैं तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रूल से चलिए, आर एच एस से स्टार्ट कीजिए। तो आर एच एस में क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो इसका फॉर्मूला निकालना है, तो इसको इधर ही रखिए,
उसको उधर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब इसके बदले हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। वन को हम लोग वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय यही टर्म इसका स्क्वायर, मतलब इसी टर्म को टू टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पे, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये मेरा कैंसिल हो गया, बचा कितना मेरे पास वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, सेम हो गया है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब क्या कीजिएगा, इस टर्म को इधर लिखेगा और इस टर्म को इधर लिखकर बॉक्स में घेर कर इसको हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तक खत्म कर चुके हैं।